खबर पौड़ी से। प्रदेश में चल रहे भर्ती घोटालों में कांग्रेस ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप की सीबीआई की मांग। प्रदेश में बीपीडीओ और बीडीओ भर्ती घोटाले के सामने आने से अब कई और भर्तियों में भी घोटाले की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते युवा से लेकर विपक्ष भी अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कोटद्वार में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश में हो चुकी कई भर्तियों के लिए सीबीआई जांच की मांग की। वहीं भर्ती में अनियमितताओं होने पर भी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। सीबीआई से कराने की कार्रवाई हेतु निर्देशित करने की महज कृपा कीजिएगा, ताकि होनहार युवा अपने भविष्य के प्रति निश्चितता के भाव से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग कर सकें। उपेन्द्र जिंदगी प्रांतीय महामंत्री यू कांग्रेस डॉक्टर जिला अध्यक्ष एवं समस्त हमारे कार्य के पदाधिकारी को पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। जितनी भी आज तक भर्तियाँ हुई हैं भाजपा सरकार में, सब पे भ्रष्टाचार है और सब में नकल जो पेपर है, पेपर पहले आउट हो गया था और तब नकल करके उस बच्चे उस पर हो रखे, उस पर भर्ती हो रखे हैं और उनको इंजीनियर की नौकरी, किसी को पीसीएस में, किसी को दरोगा में, सब चीज सब नौकरियों में भ्रष्टाचार है और सब नौकरियों में घोटाला हो रखा है। तो हमारी कांग्रेस की मांग है कि इन सब भर्तियों की जो भाजपा सरकार में हुई है उनकी सीबीआई जांच, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती कांग्रेस पार्टी इसके लिए आंदोलन छेड़ा हुआ है और पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। यहाँ भी हमने आंदोलन करा हुआ है और जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। सीबीआई जांच की मांग तक हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।